यहाँ पे हमें दिया गया है कि एक सिलाई मशीन का जो टोटल बिल बनता है वो है ₹872 का। अगर यहाँ पर शॉपकीपर 9% सेल्स टैक्स चार्ज करता है उस मशीन के लिस्ट प्राइस पर, तो हमें यहाँ पर उस मशीन का जो लिस्ट प्राइस है वो फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए मैं यहाँ पे क्या करूँगा, सबसे पहले उस मशीन के लिस्ट प्राइस को लेट कर लूँगा। तो देखिए मैंने यहाँ पर राइट कर लिया है लेट लिस्ट प्राइस इज इक्वल टू रुपीज़ एक्स की। मान लीजिए उस मशीन का जो लिस्ट प्राइस है वो कितना है, ₹X है। सेल्स टैक्स चार्ज किया जा रहा है यहाँ पे 9% का, एंड उसके बाद जो बिल बनता है वो बनता है ₹872 का। तो इसको मैं कुछ इस तरह से राइट कर सकता हूँ, यहाँ पे ये क्या है, लिस्ट प्राइस है एक्स, और इस पर 9% का सेल्स टैक्स चार्ज किया जा रहा है, मतलब 9% एक्स्ट्रा। तो ये क्या हो जाएगा, 100 प्लस 9, तो 109% हो जाएगा, एक्स का 109%, ठीक है ना, जो इसके इक्वल होगा जो अमाउंट पे किया जा रहा है यहाँ पे। तो ये होगा 872 के इक्वल। तो इसको मैं राइट कर लूँगा यहाँ पे एक्स इंटू 109, तो ये हो जाएगा 109x एंड अपॉन में 100, ठीक है, इट इज इक्वल टू 872। तो x की वैल्यू निकाल लेंगे यहाँ पे, देखिए ये 109/100 फ्रैक्शन में है, उधर जाके क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 100/109। इसको मैं सीधा कट कर दूंगा यहाँ से, 8 जा पे कटेगा ये, तो 8 × 100 ये हो जाएगा 800। तो उस मशीन का जो लिस्ट प्राइस है ना वो कितना है, 800 है, जिस पर सेल्स टैक्स वसूलने के बाद 9% का उस पे अमाउंट पे किया जाता है उस मशीन का, ₹872।